भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में, उनमें कितना पैसा मिलता है, क्या प्रावधान होते हैं, वो सब आपको जानकारी स्वरूप आज देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें इस सरकारी आदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश अपने वहां जारी किया है 4 फरवरी 2022 को। अब इस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारियां हैं वो काफी अहम है और मुझे लगता है कि सभी राज्यों में इन योजनाओं का प्रावधान भी है और इन्हीं योजनाओं के तहत आप सबसे सूचनाएं भी मांगी जाती हैं। अब हो सकता है कि आपके वहां अधिकारी आए विजिट करने या निरीक्षण करने और उसके बाद आपसे वो पूछें और आपको इन योजनाओं की अगर जानकारी ही ना हो तो फिर वहीं से दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहां पर जो विषय है वो जिले के असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक हैं उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको हम PMSYM के नाम से जानते हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। यानी उनको लाभार्थियों को कहना है कि इस योजना का आप लाभ लीजिए, तो उनको प्रोत्साहित करिए थोड़ा। दूसरा पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत एक योजना है जिसको हम ABRY बोलते हैं, उसका भी प्रचार प्रकाश करके यानी प्रचार प्रसार करके प्रगति उसकी भी लाई जाए, इसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, और आपको पता होना चाहिए इसके चलते जो है आंगनबाड़ी बहनों आपके अकाउंट से भी पैसे कट रहे हैं, तो क्यों ना आप सब भी इसके बारे में अवगत जरूर हो। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको पेंशन योजना के रूप में लोग देखते हैं और इसीलिए आपके अकाउंट से पैसे भी कटते हैं, आपको 60 साल के बाद में वो पैसे का शायद लाभ देखने को मिल जाए। बताया जा रहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना से अधिकाधिक हितग्राहियों को जोड़ने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। अब यहां पर इस योजना को काफी लोग यूपी का ही स्पेशल समझ लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर योगी सरकार है इसलिए, और इस योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निकल के आता है, तो यहीं से ये योगी शब्द लेकर के लोगों को लगता है कि यूपी से शुरू होकर के आई है, जबकि ऐसा नहीं है, ये योजना केंद्र सरकार की है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय इस योजना पर निर्णय ले रहे हैं और आगे कार्रवाइयां हो रही हैं। अब ये लेटर आप MP का देख रहे हो, यूपी में ऐसे तमाम निकल चुके, बहनों के पैसे कट रहे, उसके अलावा बिहार हो या अन्य अन्य राज्यों, हर जगह ये धीरे धीरे करके अपने पैर पसारेगी योजना। बात करते हैं योजना के विशेष कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आपको बता दें कि हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। तो जिन भी आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट से 100-150 एज के अनुसार जैसे भी पैसे कट रहे हैं, अगर आप इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़ी हैं, तो आपको 60 वर्ष के बाद जब रिटायर हो जाएंगी तो 3,000 रुपया महीना आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, हितग्राही की मृत्यु के पश्चात पति या फिर पत्नी जो भी है उनको 1,500 रुपए की प्रतिमा पेंशन दी जाएगी। अगर जो भी जिनका फॉर्म भरा मान लो कार्यकर्ती बहन, आप खुदा नखास्ता आप नहीं रही 60 के बाद, तो फिर आपके यहां जो भी हैं वो लोग उनको 1,500 रुपए आपके घर वालों को पेंशन स्वरूप मिलेगा। वहीं हितग्राही का मासिक जो अंशदान है वो 55 रुपए से स्टार्ट होकर के 200 रुपए तक चलेगा, योजना में सम्मिलित होने की आयु के अनुसार। जैसी आपकी आयु है उसी अनुसार आपके योजना में पैसे कटेंगे और जितने कटेंगे उतने ही आपके पैसे जोड़ करके सरकारें भी जमा करवाएंगी। वही बात करते हैं हितग्राही के अंशदान के समान राशि केंद्र सरकार द्वारा भी सम्मिलित की जाएगी, और ये राज्य सरकार द्वारा नहीं, ये केंद्र सरकार द्वारा पैसा आपको ऊपर से प्रावधानित मिलेगा। हितग्राही द्वारा अंशदान जमा बंद करने पर शेष अंशदान एवं ब्याज जमा कर पुनः योजना में सम्मिलित होने की सुविधा है। यानी इनका कहना है कि हितग्राही अगर चाहे तो अपना अंशदान
जमा करके उसे बंद कर सकता है या शेष अंशदान जो भी रह गया हो एवं ब्याज जो भी जमा कर दे उस पर और दोबारा से जो है वहां पर उस योजना में वो शामिल भी हो सकता है। एक वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष के अंदर पर जो है पॉलिसी बंद होने पर स्वयं की प्रीमियम राशि तथा उस पर सेविंग्स खाते के ब्याज के बराबर राशि दे होगी। तो इनका कहना कि 1 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष के अंदर इस पर पॉलिसी बंद होने पर स्वयं की जो प्रीमियम राशि है उस पर सेविंग्स खाते के जो ब्याज के बराबर राशि है वो आपको दी जाएगी। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे यहां पर 7वां जो पॉइंट है 10 वर्ष से अधिक किंतु पूर्णतया के रूप में पॉलिसी बंद होने पर स्वयं द्वारा जमा प्रीमियम राशि एवं उस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाला अथवा बचत खाते की दर से ब्याज जो भी अधिक हो वो आपको दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप करा सकते हैं। अंशदान की जो प्रथम किस्त है वो कैश से एवं आगामी जो किस्तें हैं वो बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से जाएंगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे क्रियान्वयन की जो एजेंसी है, क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी केंद्रीय श्रम कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर मध्य प्रदेश है। साथ ही पात्रता देखिए, योजना में सम्मिलित होने हेतु निम्नानुसार व्यक्ति पात्र होंगे। जैसा कि आपको बता दें इसमें लिखा है कि 18 से 40 वर्ष आयु तक के जो व्यक्ति हैं सम्मिलित हों, मासिक आय 15,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होने चाहिए यानी इनकम टैक्स पे ना करते हों और ESIC अथवा EPF इत्यादि में सम्मिलित ना हों, आधार कार्ड धारक हों, बचत और जनधन खाता धारक भी हों। साथ ही लक्ष्य एवं रणनीति क्या है, उक्त योजना में प्रत्येक जिले के 4,000 हितग्राहियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि के लिए निम्न से समन्वय एवं संपर्क करके योजना की विशेषताओं और हित लाभ की जानकारी दी जाए एवं असंगठित क्षेत्र के इच्छुक कार्मिकों को जोड़ा जाए। अब आप सोचिए एक गांव में 15,000 से कम कमाने वाले ऐसे श्रमिक कर्मी तो बहुत होंगे। अब अगर मान लीजिए 1,000 लोग एक गांव में अगर आवेदन कर देते हैं और सबके खातों से अगर मान लीजिएगा 50-55 से लेकर के 200 के बीच में तरह तरह के पैसे कटेंगे, अब एक एक खाते से इतना कटेगा और ऐसे पूरे देश में अगर आप देखें तो अरबों की संख्या में तो जनसंख्या, अब मान लीजिए कुछ करोड़ यहाँ पर जो है यहाँ पर खाते मान लीजिए इस तरह के लोग हैं, मान लीजिए 40-50 करोड़ लोग हो गए ऐसे ही लाभ लेने वाले पेंशन के लिए बुढ़ापे के लिए। अब 50 करोड़ लोग अगर मान लीजिएगा कि हम 200 रुपया दूर की बात छोड़ते हैं, हम 150 रुपया एवरेज रखते हैं, 150 या 100 रख लो, 150 मान के चलिए, 55 से जो है 200 के बीच में है, अब 150 मान के चलिए, 150 रुपया हर व्यक्ति देगा, 50 करोड़ व्यक्ति देंगे, कितना हो जाएगा पैसा, हजारों हजार करोड़ पैसा हो जाएगा। अब ये सरकार की जो पॉलिसी है वो आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट को अगर देना है तो लोगों को मौजूदा समय में खाने और कमाने के लिए कुछ अच्छा दीजिए, बुढ़ापे में 60 साल के बाद आप देने के लिए कह रहे हो और उसके लिए भी अभी से उनकी आमदनी में से पैसे आप ऐसे निकाल ले और भी करोड़ों अरबों लोगों के अकाउंट से जब पैसे ऐसे 100-200 करके जब जाएंगे तो कितना पैसा ऊपर जमा होगा, इस पर भी थोड़ा फोकस आप कर लेना, इससे कुछ नीतियां स्पष्ट हो जाती हैं। वैसे अगर गवर्नमेंट देना चाहती, गवर्नमेंट अगर भला ही करना चाहती श्रमिकों का, तो अभी 50-60 हजार बहने यूपी में रिटायर की गई हमारी और उन बहनों को खाली हाथ घर बैठा दिया गया, क्या रिटायरमेंट पर 1-2 लाख-3 लाख पैसा देना सरकार को ठीक नहीं लगा, क्योंकि तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी बहनों को 3 लाख रुपया दिया जाता है, तो फिर ये सरकारें इन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो केंद्र में भी है, ये तो राज्य में भी है, यानी डबल इंजन की सरकारें और फिर भी ये कहीं नहीं कर पा रही हैं। तो नीतियां कुछ अलग है, ये आपको आगे देने के नाम पर अभी से आपसे पैसे ले रहे हैं, ये एक यहां पर कड़वा सत्य है जो झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अभी देना है तो उनको भी तो दीजिए जिनको आपने खाली हाथ करके घर बिठा दिया है। वही बात करते हैं आगे, इनमें देखिएगा लिखा है मनरेगा श्रमिक है, निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत असंगठित श्रमिक है, ये तो अकेले ही पूरा
जुड़ गया यानी पूरा हो गया खत्म, क्योंकि इतना ज्यादा है ही आपका असंगठित श्रमिक, चाहे मनरेगा वाला ले लो चाहे निर्माण विभागों का ले लो, बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में है। उद्योग श्रमिकों को ले लो, असंगठित श्रेणी के जो श्रमिक हैं, व्यापारी ले लो, औद्योगिक संगठन ले लो, श्रम संगठन ले लो, उद्योगों को ले लो, प्रतिष्ठानों में ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य करने वाले ठेका या आउटसोर्स श्रमिक हैं उनको ले लो। उदाहरण ऐसे श्रमिक जो ईपीएफ एवं ईएसआई के दायरे में नहीं आते हैं, अरे उनको डेली का बेचारों को 200-300 जो भी मिलता है, 9000 रुपया मान लीजिए महीना, वो भी काम मिले महीने भर, तब तो सोचिए 15 तो वो नहीं पहुंचेंगे। अब ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है, अब ऐसे ही करोड़ों लोगों को इस योजना में जोड़ करके गवर्नमेंट जो है उनके भी आमदनी से अब 100-150-200 पैसे ले रही है। भले ही आपको भी ये ना लग रहा हो कि 100-200 ही तो जा रहे हैं, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां पर जमा कितने हो रहे हैं इस पर भी थोड़ा अंकन करिए। और अभी तो किसी को इसका लाभ तो मिल नहीं पा रहा है, अब जाने कब मिलेगा, तब तक जो सत्ता में है वो तो आराम से जो है पैसा का अभी जो भी है वो अपने सामने बैठ करके कम से कम देख रहे हैं कि इतना इतना सब आ रहा है। वही बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना की, जिसको हम एबीआरवाई बोलते हैं, उसके बारे में। तो इसमें सभी कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले संस्थानों में कार्यरत पात्र श्रमिकों को लाभान्वित किए जाने के लिए समन्वय करके प्राप्त जो है यहां पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करो और निर्णय बनारस जो है यहां पर कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री परिषद में लिया जाएगा। वहीं पर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड जो भी है यहां पर जो उनको कोविड जो है अवधि के दौरान 15,000 रुपए से कम का मासिक परिश्रम प्राप्त करने वाले उनको भी टेक होम वेतन में सुधार करने के लिए भारत सरकार की ओर से बजट सहयोग है। 1,000 से अधिक कर्मचारी वाले जो भी हैं उनके कर्मचारियों का 12% हिस्सा, 1,000 से कम वालों का जो है नियोक्ता और कर्मचारी का पारिश्रमिक पूरे 24% जो हिस्सा सहयोग के रूप में प्रदाय होगा। इस तरह से देखो एक भारी भरकम राशि कर्मचारियों के सैलरी से जो है पहले से ही निकाल ली जा रही है। 1/10/2020 से 30/6/2021 तक जिसका लाभ नए कर्मचारियों को 30/6/2023 तक प्राप्त हो जाएगा, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। साथ ही बता दें कि क्रियान्वयन की एजेंसी कौन है, उक्त योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही है। रणनीति क्या है कि राज्य में योजना के व्यापक प्रचार प्रसार तथा अधिकाधिक संस्थानों और कर्मचारियों को लाभान्वित करो। अब लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसी लाभ के चक्कर में जो है भारी एक तादाद में लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए चाहती है कि वो जुड़े और इस योजना में जुड़ जाए, ताकि उनका भी तो यहां पर आमदनी जो भी है वो ऊपर भी तो जमा होकर के बढ़ जाए। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर ये कुछ चीजें यहां पे दी हैं, उद्योग वाले, व्यापारी वाले, औद्योगिक संगठन वाले, श्रम संगठन वाले, उद्योग प्रतिष्ठान वाले, ठेका वाले, ये सभी चीज लोग दायरे में इसमें भी आ जाते हैं, तो सेम टू सेम ये भी नजर आ रही है। तो इस तरह से आगे लिखा हुआ है कि कृपया आपके जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उक्त योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करो कॉमन सर्विस सेंटर पर, और जो भी उद्योग कैंप लगवाओ और यहाँ पर जो भी नियोजक हैं श्रमिक हैं इनको योजनाओं में सम्मिलित करो, प्रोत्साहित करो, जिलेवार प्रगति की जानकारी भी दो। अब सचिन जिन्ना प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन से, तो गवर्नमेंट कोई योजना लाती है वो अपनी जेब से आपको नहीं देती है, वो ऐसे ही लोगों से ही पहले जमा करती है और फिर उसी से रोजगार काम धंधे करती है, फिर धीरे धीरे करके जो उस दायरे में आते जाते हैं उनको देती जाती है। जैसे आप ले लीजिएगा उत्तर प्रदेश में जो राशन जो अभी आपका चल रहा है, अभी तो राशन चल रहा है, आगे दलिया आएगी उसके लिए जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है जो उसमें जो है जो खर्चा आ रहा है वो स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों से जो है लिया जा रहा है। काफी जगह स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों ने इतना करोड़ों में पैसा जमा जमा करके दिया है, अब कई लोग मिल मिल करके। तो इस तरह से एक एक गांव में न जाने कितने समूह जो है खोल दिए जाते हैं और उनमें भी पैसा भी तो समूह वाले जमा करते हैं। अब इस तरह से चीजें सब ऊपर से नीचे तक चल रही हैं। वैसे जो है आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। सीमा चौधरी बहन आती है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, उन्होंने जानकारी भेजी, आपको अवगत कराया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।